राधे राधे दोस्तों दोस्तों, आपने तो आलू की सब्जी बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन एक बार ये मेरे तरीके के बना के देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। एकदम न्यू रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना बहुत ही आसान है और एकदम कम तेल मसालों से ये सब्जी बन के होता है तैयार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने 4-5 आलू लिए थे और इस तरह से शेप में इसे कट कर लिए हैं धो के, और इसका छिलका उतार के, तो आप देख सकते हैं जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से थोड़े मोटे मोटे में कट किए हैं। इसे पानी में डाल के रख देंगे ताकि हमारा आलू काला ना पड़े। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा बोल लेंगे, इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन लेंगे आलू के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। उसके बाद से इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी, देखिए आधी चम्मच जीरा, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। उसके बाद से डालेंगे 1 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इतना धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक छोटे चम्मच से, आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन। इसे इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मोटा सा घोल तैयार करेंगे, ज़्यादा पतला घोल तैयार नहीं करना है, जिसे हम पकौड़ियों को बनाते हैं उससे थोड़ा थिक तैयार करेंगे। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें तैयार करना है। अब इसे साइड करेंगे। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए सब्जी का पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे, और एक प्याज इस तरह से रफली कट करके डालेंगे, और एक टमाटर लेंगे। बस छोटे साइज का 2 टमाटर है, इसे हम कट कर लेंगे। अगर बड़े साइज का हो तो आप एक ही लीजिएगा। इस तरह से रफली कट करके डाल देंगे। एक लहसुन की गांठ थी उससे हम छील के ले लिए हैं। 8 से 10 काली मिर्च है, इसे भी ले लेंगे, और इसका जार का ढक्कन बंद करके एक इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे बिना पानी का। तो आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट बन चुका है। अब इसे साइड करेंगे और अपने आलू को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से आलू को पानी में से अच्छे निकाल लेंगे, इसका पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना रहे। उसके बाद से हम इस आलू पे मसाले जो ये बना के रखे हैं इसे लगाएंगे। देखिए चम्मच से लेंगे 1-1 चम्मच और इस तरह से अपने आलूओं पर लगाएंगे, और एक आलू के साथ ही इस तरह से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से, एक देखिए और बता रहे हैं, इस तरह से लेंगे थोड़ा सा बेटर बेसन का और इस तरह से रख चिपका लेंगे। तो इसी तरह से सारे अपने आलूओं को सेट कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने सारे आलूओं को एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच कर दिए हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने गैस पे एक पैन रख लिए हैं। इस पैन में 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिए हैं, ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसे सेलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म होगा, इस तरह से अपने आलू को टिक्की को उठाएंगे और अपने ऑयल के अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो एक एक करके इसी तरह से डाल लेंगे। अब तेल देख सकते हैं हम कितना तेल लिए हैं, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, नहीं तो आपके आलू की लच्छे खोल सकती है। तो इसे सेलो फ्राई ही कीजिएगा, और इसे एक तरफ अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद से इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू के टिक्की को सिकते हुए करीब 2 मिनट हो चुका है, एक तरफ से अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे सिके हैं। इस तरह से एक एक करके अपने टिक्कियों को पलट लेंगे। देखिए इस तरह से पलट लेंगे और इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेकने देंगे। तो इसे आप लो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप सेकिएगा ताकि अच्छे से आलू हमारा पक जाए 50%। तो लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब एक एक करके निकाल लेंगे, जो बचा हुआ आलू को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमने सारे आलू को फ्राई कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने। तो देखिए दोस्तों, इसी ऑयल में थोड़ा सा कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे और 1 तेज़पत्ता। अगर आपका ऑयल ज़्यादा हो तो कम कर सकते हैं, हमारा ऑयल ठीक है जितना सब्जी बनाना है। उसके बाद से थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इन सबको तड़का लेंगे 1 मिनट के लिए।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जीरा तड़क गया है। अब पिसा हुआ मसाला अपना डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे मसाले को डाल दिए। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ में, और इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब यहीं पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर सब्जी में बहुत बढ़िया आएगा। देखिए 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको कितना तीखा पसंद हो। उसके बाद से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने आलू की टिकिया बनाए थे उसमें भी नमक ऐड किए थे। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, मसाले को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुकी है और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब यहीं पे हम डालेंगे फेटा हुआ दही। हमने आधी कटोरी दही लिए थे और इसे फेटा हुआ दही था, और मसाले में डालेंगे। मैं गैस का फ्लेम को हम लो रखेंगे, क्योंकि दही डालते समय गैस तेज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी दही फट सकती है। और इसे इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और दही के साथ ही मसाले को 2-3 मिनट भून लेंगे। दही डालने से जो सब्ज़ी में ग्रेवी का जो टेक्सचर, जो खट्टापन मीठापन बहुत ही बढ़िया सा आएगी। आप ज़रूर दही डाल के इसकी ग्रेवी बनाइएगा, बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस तरह से लगातार 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद से हम इसे 2-4 मिनट भून लेंगे, ताकि दही का जो भी खट्टा फ्लेवर हो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, मसाले को भूनते हुए दही के साथ करीब 3 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब यहीं पर हम आधे गिलास पानी डालेंगे। इसमें पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो। हम आधा से 1 गिलास ज़्यादा पानी डाले हैं। उसके बाद थोड़ी सी गर्म मसाला डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे और जितने आलू के टिकिया बना के रखे थे सारे टिकिये को ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। और इसे डालने के बाद से इसे लो फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ताकि आलू हमारा अच्छे से पक जाए। और उसके बाद से देखिए, आप लोगों को सब्ज़ी बहुत बहुत पसंद आने वाली है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बताई हूँ आप सब इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसे ढक के हम 5 से 7 मिनट पका लेते हैं अपने आलूओं को। ये दोस्तों, हमारी सब्जी बन के हो गई रेडी। अब हम इसके गैस को फ्लेम को कर देंगे बंद। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनी है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक। ये रोटी पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस हल्के हाथों से, और गैस को फ्लेम को कर देंगे बंद। चलिए चलते हैं इसे सर्व करने। तो लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी आलू की कितनी बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं। इसे पूड़ी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत पसंद आने वाली है। और जैसे मैं बताई हूँ इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इस सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग ओके बाय।